नमस्कार, बी टाउन की खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। चलिए नजर डालते हैं बॉलीवुड की प्रमुख खबरों की ओर। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा के बाद 17 अक्टूबर को दिल्ली में सभी विनर्स को ये अवार्ड दिए गए। इस फंक्शन के लिए आलिया भट्ट, पंकज त्रिपाठी और कृति सैनन कैपिटल सिटी पहुंचे। तीनों ही स्टार्स को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए इस नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। वहीं अल्लू अर्जुन पहले ऐसे साउथ एक्टर रहे जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अदाकारा वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म जगत में अपने योगदान के लिए उन्हें देश के सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शॉल ओढ़ाया और साथ ही में अवार्ड दिया। इस मौके पर विज्ञान भवन में बैठे सभी दिग्गजों ने खड़े होकर तालियों से वहीदा का स्वागत किया। पूरा समाज तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो वहीं बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित होने की वजह से सुर्खियों में हैं। उन्हें 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के बाद पंकज त्रिपाठी काफी खुश है। उनका कहना है कि अगर आज पिताजी यहाँ होते तो वह काफी खुश होते। इसी के साथ पंकज त्रिपाठी ने अपने इस अवार्ड को पिताजी को डेडिकेट किया है। पंकज त्रिपाठी ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए अपने इस अवार्ड के लिए खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, मैं विनम्र और कृतज्ञ हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप मेहनत और ईमानदारी से किसी काम पर लगे रहो तो कुछ भी मिल सकता है। मेरे साथ भी वही हुआ है। यह बरसों से चल रही मेरी मेहनत का फल है। आज अगर बापूजी होते तो बहुत खुश होते। वह इसलिए क्योंकि उन्हें यह अवार्ड बहुत पसंद था। मेरा यह सम्मान भी उन्हीं को ही समर्पित है। इधर एक्ट्रेस आलिया भट्ट को भी बेस्ट एक्ट्रेस के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। इस दौरान उनके पति रणबीर कपूर उन्हें सपोर्ट करते नजर आए। सेरेमनी में आलिया अपनी शादी की साड़ी पहनकर पहुंची थी। उनके लुक की भी काफी तारीफ हुई। आलिया भट्ट ने इस मौके पर अपनी शादी की साड़ी पहनी। उनकी सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया। हर कोई सोशल मीडिया पर उनके लुक से लेकर उनके अपने कपड़े रिपीट करने की तारीफ करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस खुशनुमा माहौल के बाद खुलेआम किस करने के लिए आलिया भट्ट को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। हेमा मालिनी का बर्थडे सेलिब्रेशन खबरों में बना हुआ है। ड्रीम गर्ल ने सोमवार को मुंबई में एक ग्रैंड पार्टी दोस्तों परिवार अपने चाहने वालों के लिए रखी, जहां बॉलीवुड के लगभग हर बड़े स्टार ने शिरकत की। अब एक्ट्रेस ने बर्थडे की इनसाइड फोटो और वीडियो शेयर किए हैं। हेमा मालिनी ने 16 अक्टूबर को अपना 75वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। पार्टी से सामने आए फोटो और वीडियो पहले ही चर्चा बटोर रहे हैं। इस बीच अब ड्रीम गर्ल ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के लिए एक स्पेशल मैसेज भी शेयर किया। मच अवेटेड रियलिटी शो बिग बॉस 17 की शुरुआत आखिरकार हो चुकी है। पावर कपल अंकिता लोखंडे और विकी जैन इस सीजन के दमदार कंटेस्टेंट में से एक हैं। कंटेस्टेंट अंकिता को बतौर एक्ट्रेस काफी अच्छे से जानते हैं, लेकिन यह पहली बार जब विकी ने नेशनल टेलीविजन पर डेब्यू किया हो। आपको बता दें, अंकिता अपना गेम काफी शांत होकर खेल रही हैं और शायद यही बात बिग बॉस को पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने अंकिता को दिल के कन्फेशन रूम में बुलाया और कुछ बातें समझाई। बिग बॉस ने कहा, अंकिता लोखंडे हैं आप, एक स्ट्रांग इंडिविजुअल, और इंडिविजुअलिटी एक छोटे से बच्चे की तरह होती है। इसको हर समय अपने साथ हाथ पकड़ कर रखना होता है।